बताएं सर, कहाँ कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए अनिल जी, पहली बात तो यह है, अगर आपके पास माल है तो घबराइए मत, नहीं ले सकते तो मैं समझ सकता हूं वीकनेस, लो रूमर और आपको घबराहट हुई है, क्योंकि लास्ट 10 दिन में फॉल हैज बीन ट्रेमेंडस लोगों को मार्केट मार्केट, पहली बात। लेकिन मेरी सलाह ये अनिल जी, अभी द बेस्ट इज जस्ट स्टार्टिंग, अभी तो शुरुआत है, डोंट गो बाय नंबर्स। आपने देखा था 16,000 से 18,887, एक नंबर ही है ना, 18,887 को 19,987 करने में पता नहीं लगेगा। ए बी, एटलीस्ट होल्ड योर पोर्टफोलियो एंड व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कह के नहीं आती ना, मौका देती है, मौका जब आता है आपको हर चीज छोड़ के आना पड़ता है। हमने दाढ़ी भी नहीं कटाई और आपके यहाँ पहुंच गए, क्योंकि हमें मौका दिखता है, आप समझे अनिल जी, मौका कह के नहीं आएगा कि मसीन साहब सूट बूट में आएंगे और उनको वो शेयर मिल जाएगा, सूट बूट में कुछ नहीं मिलना। आज 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 सर है ना, आप शेव करके नहीं, आपने अच्छा काम किया आज। मतलब क्या है कि इस समय ना लोगों को, ज्यादा अनुभवी लोग जिन्होंने मार्केट की बड़ी ऊपर नीचे चीजें देखी, आप है, बग्गा साहब है, ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है जो अच्छे से गाइड कर सके, और वो सफेद दाढ़ी के साथ ज्यादा मतलब लगता भी है, थोड़ी और हफ्ते पर बढ़ा देते तो सेंटा जैसे लगने लगते। अरे हफ्ता नहीं अनिल जी, 18,500 के ऊपर कटवा लूंगा, ठीक बात है सर जी। कौन कह के जाएगा 18,500 में आपको कटवा दूंगा, और इंग्लिश चैनल तो अभी भी 16,000 के गीत करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फियर मॉन्गरिंग इज द बिगेस्ट। मैं ही नहीं कह रहा, बाजार ऊपर नीचे जा सकता है अनिल जी, बट इन अ करेक्ट फैशन एंड फॉर करेक्ट रीजंस, करेक्ट। व्हाई शुड वी डाउट दिस इंडियन मार्केट? आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम अ पेट्रियट और अ बुल एंड मार्केट मेक्स मनी, बट द अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम नॉकिंग एट योर डोर। सेकेंडली अनिल जी, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टर के लिए कहा, द बेस्ट थिंग इज स्टे इन्वेस्टेड, डोंट गेट कॉट इन दिस फियर एंड पैनिक, डोंट गो ऑन रूमर्स, गो ऑन फैक्ट्स, गो एंड चेक द अंडरलाइंग एंड यू विल रियलाइज क्या क्या कहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहला पिक आप कहें तो आज 7 पिक दूंगा, चाहे आप न्यू ईयर के पिक लीजिए, लेकिन 7 7 बहुत बढ़िया नंबर है, और 7ों के साथ ABCD करके मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं रफली, आप कहें तो मैं। बिल्कुल सर, प्लीज बताए सर, शुरुआत करें। जी ये जो एक सेल ऑफ आया अंबुजा में, दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, 490 रुपए में अंबुजा, 38% ऑफ अंबुजा's कॉस्ट इज लॉजिस्टिक एंड पावर दैट इज बीन एक्सटिंग्विश्ड, द डिस्क्लोजर, 4 दिन 3 दिन में अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने शेयर्स के स्टेक बढ़ाए हैं, दे हैव बॉट स्टेक फ्रॉम द मार्केट। ए बी, अंबुजा इज टारगेटेड टू बिकम अ 750 to 800 rupees स्टॉक इन दिस ईयर 2023। सिंपल रीजन है अनिल जी, दे आर इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड फॉर पावर एंड लॉजिस्टिक, देर इज नो अदर बेटर प्ले देन अंबुजा। ए बी, द बेस्ट ऑफ सीमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हैव फॉलन, और एज ए डिस्क्लोजर दोनों अल्ट्राटेक, अंबुजा ACC ऑल आर लुकिंग वेरी गुड एंड यू कैन एड HC, बट अंबुजा इस भाव पे लाजवाब है। तो पहला टारगेट बजट से पहले 615 रुपए का, और इस साल में 750 रुपए का भाव अंबुजा। दूसरा पिक अनिल जी बी से है, बंधन बैंक। देखिए बंधन में मैंने पहले भी कहा था, उसमें कुछ इश्यूज भी आए, लेकिन ये दो क्वार्टर्स में उन्होंने सारी बुक क्लीन कर ली। बंधन इज इन द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम अनकोलैटरलाइज टू कोलैटरलाइज, और उन्होंने ARC में अपना लार्जेस्ट पोर्शन, जो लास्ट पोर्शन था, वो भी डाल दिया है। नाउ द बुक इज क्लीन, और निम्स और जिस तरह की ग्रोथ है, दो करोड़ पिचासी लाख अकाउंट है, और हर क्वार्टर 15 लाख अकाउंट बढ़े हैं, और एक माने 1. नॉट इवन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप फोर्सी कर रहे हो बैंकिंग एज अ न्यू कॉन्डूट, और जिस तरह से पैन इंडिया रीओपनिंग हो रही है, बंधन मेरे को 275 पहला भाव, और वो भी बजट से पहले, और उसके बाद 325। तीसरा मेरा फेवरेट अनिल जी, कैनफिन होम से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा 15 जनवरी तक द एक्सटर्नल CEO विल बी बैक, और अभी द बेस्ट टीम ऑफ कैनबैंक इज ऑफ कैनफिन इज हैंडलिंग द पोस्ट डाइस नाउ, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, द बेस्ट प्ले इन द टिकट ऑफ 15 से 31 लाख, मैंने पहले भी कहा 625 से 640 का भाव कायम है। चौथा पिक है अनिल जी IRCTC, देखिए 680 पे अभी 3 टाइम उसका ओवर सब्सक्राइब हुआ, और 610 रुपए पे इट्स एन अनबिलीवेबल प्ले, नॉट ओनली इज द केटरिंग एंड द आवागमन पिकिंग अप, बट देर इज अनप्रेसिडेंटेड रश, प्लेनों में टिकटें नहीं है, ट्रेनों में नहीं है, तो आई थिंक, और रेल बजट इज राउंड द कॉर्नर, IRCTC मेरे हिसाब से 715 का भाव आपको
बहुत फास्ट दिख सकता है, क्योंकि इसमें जो अंडरपिनिंग आई है इट इज मोर आउट ऑफ लीवरेज प्लेस जो हट गए हैं। पांचवा इज अनिल जी माय फेवरेट टाटा मोटर, मुझे लगता है इस भाव पे एवरीवन इज प्राइसिंग इन टाटा मोटर द वे टेस्ला हैज फॉलन, देयर इज नो कोरिलेशन। कमर्शियल सेल्स पे टाटा मोटर सेल्स 4 टाइम मोर सीवीज देन अशोक लीलैंड, और जो ये नया बस ऑर्डर मिला है लोग बाग नजरअंदाज कर रहे हैं, दिस इज फॉर ईवीज 1500 DTC से। और ये आपको बताता है कि टाटा मोटर की जो रेंज है फ्रॉम ईवीज टू सीवीज टू पैसेंजर व्हीकल इट इज ओनली एक्सपैंडिंग। और आप चाइना की रीओपनिंग की वेट मत कीजिए, बिकॉज जिस दिन वो हुआ ये 650 का भाव हो जाएगा। तो द बेस्ट स्टॉक इन द ऑटो सेक्टर विच इज मोस्ट रीजनेबली प्राइस्ड इज टाटा मोटर। अब आपका फिफ्थ सिक्स प्ले है अनिल जी REC लिमिटेड। मैंने पहले भी बहुत बारी कहा था REC ने डिविडेंड भी दिया है, बोनस भी दिया है, और पावर की जो लेंडर्स हैं देयर कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट एंड रिसीवेबल्स आर द बेस्ट। मुझे लगता है REC इज हेडेड टू 140 टू 145 बाय द नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इससे पहले भी हो जाए। ये एक पैन इंडिया प्ले ऑन रिसीवेबल्स है, द नंबर्स आर अनबीटेबल। सो REC इज माई टॉप पिक अराउंड दिस प्लेस इन द पावर प्ले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, श्रीराम फाइबर SRF। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में द टाइप ऑफ बिजनेस ऑन दे आर गेटिंग नाउ, और हमें पता है कि पॉलिएस्टर एंड अदर बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर नाउ हेडेड टू बिकम वन ऑफ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर्स। और चाइना स्लोडाउन की वजह से जो भी इफेक्ट है, इनपुट कॉस्ट की फॉल, एक आध उनका वर्टिकल हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, बट ये शेयर का भाव 2700 रुपए मुझे दिखता है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ये है आपके लिए 7 बेहतरीन पिक्स बसंत साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बग्गा साहब भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं सारी 7 स्टॉक्स आपको फिर से दिखाऊंगा थोड़ी देर में स्क्रीन पर, ताकि आप सारे लेवल्स वगैरह नोट कर पाए। लेकिन